फ्रेंकली स्पीकिंग पर्सनली अगर आप मुझे पूछो देन आई डोंट नो, मुझे सिद्धार्थ एंड शहनाज़ केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है। दोस्तों न जाने देबोलिंदा को क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो शहनाज़ के पीछे ही पड़ गई हो। न जाने शहनाज़ के साथ उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी हाल ही में दे दिया था उन्होंने कुछ ऐसा बयान लाइव चैट के दौरान। उन्होंने कह दिया कि शहनाज़ और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सुनिए क्या कहा था देबोलिंदा ने। फ्रेंकली स्पीकिंग पर्सनली अगर आप मुझे पूछो देन आई डोंट नो, मुझे सिद्धार्थ एंड शहनाज़ की केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है। या आई पर्सनली फील दैट सिद्धार्थ शहनाज़ से काफ़ी मैच्योर्ड है एंड मुझे उनकी केमिस्ट्री ऐसे लाइक यू नो जमती नहीं, मुझे कहीं दिखती नहीं है। बट आई लाइक भुला दूंगा डेफिनेटली। और अब इसके बाद तो यूजर्स देबोलिंदा पर काफी भड़क गए हैं। देबोलिंदा को वो खरी खोटी सुना रही हैं और इसी बीच फिर से देबोलिंदा ने ऐसी बात बोली है ट्विटर हैंडल पर जिसके बाद से फिर से फैंस भड़क गए हैं। आपको बता दें देबोलिंदा से पूछा गया कि क्या उन्हें सिद्धार्थ का सॉन्ग भुला दूंगा सुना है, तो देबोलिंदा ने कहा जीजा जी का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, बस भाभी नकली लगी। आप देख सकते हैं देबोलिंदा का ये कॉमेंट। और इसके बाद तो देबोलिंदा को खरी खोटी सुनाने लग गए फैंस, जिस पर देबोलिंदा भी काफी भड़कती नजर आई। आप देख सकते हैं देबोलिंदा किस तरह से फैंस का जवाब दे रही हैं और क्या खरी खोटी सुना रहे हैं उनके फैंस। आप देख सकते हैं कितने गुस्से में हैं सिद्धार्थ फैंस देबोलिंदा पर। देबोलिंदा ने यहां तक कि कहा कि उन्हें सिद्धार्थ की शहनाज संग नहीं बल्कि रश्मि के साथ जोड़ी अच्छी लगती है। इतना ही नहीं उन्होंने शहनाज को फेक तक बता दिया। देबोलिंदा की इस बात से शहनाज गिल और सिद्धार्थ फैंस बहुत नाराज हो गए हैं और आप देख सकते हैं क्या कॉमेंट कर रहे हैं उन्हें लेकर। काफी खरी खोटी बोलते नजर आ रहे हैं तो वहीं पर देबोलिंदा इनका जवाब देती भी नजर आ रही हैं। देबोलिंदा कहीं चुप नहीं नजर आ रही हैं और देबोलिंदा इन सभी बातों का जवाब देती नजर आ रही हैं। देबोलिंदा को एक से बढ़कर एक कमेंट करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे कमेंट्स। बता दें बिग बॉस में भी देबोलिंदा कई बार शहनाज के कैरेक्टर पर बोल चुकी हैं। इतना ही नहीं उनकी सिद्धार्थ के साथ भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। उन्होंने लड़ाई में सिद्धार्थ पर कई आरोप भी लगाए थे लेकिन बाद में सिद्धार्थ और देबोलिंदा की काफी अच्छी दोस्ती हो गई और कई बार उन्हें और सिद्धार्थ को फ्लर्ट करते देखा गया। और अब न जाने देबोलिंदा को क्या प्रॉब्लम हो गई है कि अचानक से देबोलिंदा शहनाज के बारे में इतना कुछ बोलती नजर आ रही है। फिलहाल आप सब क्या कहेंगे देबोलिंदा का इस तरह का जो बयान आ रहा है उसे लेकर, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।